हेलो गाइज, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो आई होप कि आप लोग सब सेफ एंड बड़ी होंगे गाइज। तो गाइज, आज का प्लान है हमारा भाई दिल्ली जाने का, मेरा और योगेश भैया का। तो भाई हम जा रहे हैं दिल्ली कुछ कपड़े लेने के लिए, तो चलिए चलते हैं और रेडी वेडी होके निकलते हैं यहाँ से। और योगेश भैया से मिलवाएंगे आज आप लोगों को, क्योंकि बहुत दिनों के भाई वो ब्लॉग में भी नहीं आते हैं, क्योंकि भाई उन्हें टाइम नहीं मिल पाता इसलिए वो ब्लॉग में नहीं आ पाते। तो आज हम लोग चलेंगे आप लोगों को लेके और दिल्ली घूमेंगे भाई आज मज़े से, चलते हैं। वैसे भी भाई मेरे को दिल्ली के लग रहा है, मेरे को जब से नए साल से गया हूँ ना, जब से बहुत चक्कर लग रहे हैं दिल्ली के। कभी एग्ज़ाम से रिलेटेड जाना पड़ जाता है, कभी कॉलेज से, और या फिर कभी ऐसे ही घूमने चले जाते हैं हम लोग। तो भाई चलते हैं दिल्ली और आप लोगों को लेके चलते हैं। ब्लॉग को करते स्टार्ट बिना किसी देरी के। और भाई सबसे पहली बात, हम लोग पहले रेडी होके भाई मंदिर जाएंगे, मंदिर से जाने के बाद कहीं चलेंगे, क्योंकि भाई जाने से पहले कहीं मंदिर चले जाओ ना तो दिन बढ़िया जाता है। तो चलिए चलते हैं और आप लोगों को लेके चलते हैं। गाइस हम लोग मंदिर से भी आ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं दिल्ली। एक मिनट भाई, एक मिनट दिखा रहे। अरे दिखा रखा कुछ नहीं रहा भाई, ठीक है। हाँ, अब बोल। देख रहे गाइस वही वाला स्टाइल, कालका जी मंदिर जो गए थे ना, सेम वही स्टाइल है भाई। अभी हम दिल्ली जा रहे हैं अपनी शॉपिंग करने के लिए, कुछ नहीं जाना, ठीक है, शादी में जाना है। बहुत मजा आने वाला है, चलते हैं भाई दिल्ली। मेट्रो जाना है, दिल्ली जाएंगे गाड़ी से। पहले जाएंगे भाई अपने कपड़े वपड़े लेके आए, कपड़े डिसाइड कर लें, बहुत बड़ी पार्टी में जाना हमको साथ में। तो भाई हम चले हैं अभी चलते हैं हम लोग कहाँ पे, ऑटो के लिए चलते। ऑटो पकड़ने के बाद हम जाएंगे मेट्रो, मेट्रो के बाद हम जाएंगे दिल्ली। यार इतना मत बताओ पहले यार, वो फिर देखेंगे नहीं। हाँ ये बात बताओ। चलो Suspense. भाई सारी चीज़ें करके दिखाएंगे जब बताएंगे। हाँ तो अभी चलते हैं, पहले ऑटो पकड़ते हैं उसके बाद मिलते हैं। गाइस अभी हमारी मेट्रो आने वाली है, देखो भाई जादू से लेके आएंगे इस बार हम। 1 2 3 आ गई ना, तो लड़की चला रही है, इस लड़की को जानता हूँ मैं, ठीक है। रहते हो मामा के, सबको जानते हो, ये सूरज जानता है भाई, सूरज ने इसका एक्सपर्ट है, सूरज तो भाई सबको विश करता है, ऐसी बात नहीं, अभी तो कह रहा हूँ सूरज जानता है। गाइस हम लोग उतर चुके हैं लाल किला, अभी हम यहाँ से जाएंगे चांदनी चौक मार्केट और वहाँ से हम लेंगे बहुत बढ़िया बढ़िया कपड़े। लेकिन मैं पहले आइसक्रीम खाऊंगा। हाँ यार पहले कुछ खा लेते हैं भाई, भूख लग गई है बहुत तेज, तो पहले कुछ खाएंगे उसके बाद चलेंगे। गाइस हम मार्केट में आ चुके हैं और यहाँ पे भाई आज के दिन भीड़ नहीं है बिल्कुल भी। भीड़ नहीं है, पागल हो रहा है क्या? कहाँ है भीड़ भाई आज? हाँ भीड़ है भाई। फिर चश्मा लगा लिया यार, धूप देख रहा है भाई, मुझे अजीब सा लग रहा है, मैंने नहीं लगा रखा ना इसलिए। कोई नहीं भाई लगा लो तुम। अरे ऐसा कुछ नहीं है यार, जब है ही नहीं तो कहाँ से लगाऊंगा, होना भी तो चाहिए लगाने के लिए भाई, जब है ही नहीं तो कहाँ से लगाएंगे। कोई बात नहीं, रास्ते में ले लूंगा मैं भी एक। गरीब हूँ। गरीब नहीं भाई, अमीर आदमी हो यार तुम। जी हाँ, कपड़े लेने आए हो, कह रहे हो कि गरीब हूँ। कपड़े वपड़े लेने कुछ नहीं जो भाई बंदा अपने आसपास से नहीं ले सकता इतनी दूर, यानी कितनी दूर है, 40-45 किलोमीटर कपड़े लेने के लिए आ रहा, तो वो बंदा अपने आपको गरीब बता रहा है। गरीब ही आते हैं, सस्ते के मारे आते हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ऐड देखी थी भाई। वैसे आज के दिन ना बहुत कम है भीड़, आ जाओ जिसको आना भाई, वरना हमेशा यहाँ पे। और आज मेरे को लग रहा है कुछ हो भी रहा है, चेकिंग बहुत चल रही है आज, तो आ रहा होगा ना। हाँ देखो वहाँ पुलिस के बैरियर लगे पड़े हैं, आ रहे होंगे कोई बड़े बड़े नेता वेता। सेलिब्रिटी है भाई, कम थोड़ी ना है, हम भी सेलिब्रिटी से आने वाले टाइम के हम सेलिब्रिटी हैं बस, है ना। अरे उस साइड आ जाओ, रॉन्ग साइड पे हम, ये साइड है गंदा टाइम, ये बढ़िया डिजाइन बना रखा बीच में, सही कह रहे हो यार, वाली फीलिंग आ रही है। आज ना दो पार्ट में ब्लॉग बनाएंगे, है ना। हाँ पहले भाई, क्योंकि आज हम पूरे दिन घूमेंगे यहाँ पे तो टाइम लग सकता है, पूरा दिन जल्दी घर भी जा रहा है। हाँ तो फिर भी दो पार्ट तो बनी जाएंगे ब्लॉग के। वो देखो चांदनी चौक के मशहूर छोले भटूरे खाओगे? पहले काम कर लेते हैं यार, यार कुछ तो खिलाओ, अभी कहाँ भूख लगी, पानी मेरे को लग रही है ना, आइसक्रीम खाएंगे पहले, पानी पियेंगे बस। हाँ चलो आइसक्रीम खाते हैं भाई, वहाँ की आइसक्रीम बहुत फेमस है, मैंने वहाँ पे खाई थी एक बार। कितने की है? है वही 80-90 रुपए ना, फिर नहीं खानी रहने दे भाई। अरे यार खिला देना यार, सारी पानी की बोतल पी रहे हैं बस, बात खत्म। 20 रुपए तो है ही नहीं यार मेरे पास। कोई बात नहीं, मेरे पे मैं पानी पिला दूंगा। अभी गाइस आगे चलते हैं और आइसक्रीम लेंगे और तब खाएंगे आइसक्रीम। यहाँ CPPP है क्या आसपास? CPPP नहीं है यहाँ पे, कहाँ से आ गए CP? वो मैकडोनल्ड
और ये तो हमें हर जगह मिल जाता है। यहाँ वो पीले वाले बाबा होंगे या बैठते हैं जो कुर्सी पे मूर्ति से देख रहे, पता क्या है ये कौन है अंग्रेज? अच्छा वो अरे यार अंग्रेज तो वहाँ आगे जा रहे हैं ना, गुरुद्वारा है भाई चांदनी चौक का सबसे फेमस। आइसक्रीम दिख रही है कहीं? ये आइसक्रीम दिख रही है कहीं? नहीं आइसक्रीम दिख रही मुझे, फिर क्या मुझे दिख रहा है कैश फॉर गोल्ड। भाई भूख लग रही है मेरे को, कुछ तो खिलाओ। नहीं मतलब पानी तो है यहाँ पे, कड़े देख लेते हैं, कड़े नहीं पहले बोतल भर ला ले। हैं बोतल भर चलो आओ। पानी बहुत कम आ रहा है यार, मज़ा नहीं आ रहा गाइस, खारा पानी एकदम है ना। ये चीज़ अभी नहीं बोलनी, आगे जाके बोलनी। आगे हाँ आगे चल, मैंने उन्हें सेवा करी फिर ये लोग गुस्सा हो गए। हाँ ये बात है भाई, अब सेवा कर रहे हैं तो अब आरो का पानी तो लगाएंगे नहीं यहाँ पे। हाँ लेकिन अपने को आता था वो चीज़ें लगे, लेकिन जो भी अच्छा बात तो है। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं ड्राई फ्रूट मार्केट, ये देख सकते हैं यहाँ पे सारी की सारी ड्राई फ्रूट मार्केट है। सारे छुआड़े किशमिश बादाम काजू वाजू सब मिलते हैं यहाँ पे। मेरे को तो देख, मेरे को ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा भाई यहाँ पे, मेरे को तो लग नहीं रहा हम जा पाएंगे अभी आगे। फंस गया और क्या, टाइम तो लग ही जाएगा हमें लग रहा है, रात हो जाएगी जाने जाने में। वो तो मेरी विदेश की एक फ्रेंड मिल गई थी। हाँ हाँ जरूर भाई, पतलेपन का फ़ायदा मत उठाओ योगेश भैया, ये कोई मतलब नहीं है ऐसी निकल के भगोगे क्या? टाइम और पैसे को आज तुम बचाओगे वो तुम्हें कल बचाएगा। भाई यहाँ ऑटो रिक्शा ये जो ई रिक्शा होते हैं ना, इन सब में बैठने से तो बढ़िया पैदल ही चले जाओ, भीड़ इतनी टाइम भी वेस्ट होगा, एक तो भीड़ इतनी है, ऊपर से 100 रुपये ना ले ले, ट्रैफिक में फंस जाओगे तो तब आप बात। 100 रुपये ना ले ले वो कौन, ये ई रिक्शा वाले इतनी देर खड़े रहेंगे? बहुत टाइम बहुत पैसे ले लेते हैं, जाएंगे भाई खड़े थे हम क्या करें, इतना तो हम लोग ऐसे ही टहल लेते हैं।